अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक आज जुम्मे का दिन है, तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। तो जी आज किचन में हूँ और मैंने बनाया है आज आलू गोभी। तो आइए दिखाते हैं कि आलू गोभी कैसे बना है, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ। तो गाइस ये मेरा आलू गोभी तैयार हो गया है, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी तो इस वजह से मैं आपको इसकी जो रेसिपी है वो नहीं बता सकी। लेकिन बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है कि आप प्याज ब्राउन करके उसके अंदर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दें, उसके बाद टमाटर और मसाले डाल के खूब मसाला भून के उसमें गोभी आलू ऐड कर लें और हल्का सा पानी का छींटा लगा के और हल्की आंच पर पकाएं। आपका आलू गोभी इतना टेस्टी बनेगा। आखिर में आप इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें और हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया ये डाल दें, तो इसकी खुशबू से और ज़्यादा मज़ेदार बन जाएगी आपकी गोभी आलू। तो कैसे आपको दिख रही है मेरी आलू गोभी? तो गाइस आपने देखी कि मैंने आलू गोभी बनाई है और उसके आपको मैं जल्दी जल्दी से छोटी सी तरकीब भी बता दी कि जिस तरह के लिए मैंने बनाई है और जिस तरीके से बनाई है। तो जुम्मे का दिन होता है तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात का दिन होता है और जल्दी ही काम भी करना होता है और इबादत का दिन तो हर दिन इबादत का ही है। तो ये तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं 5 वक्त की नमाज, कुरान शरीफ की तिलावत, ये सब ये तो रूटीन के काम होते हैं। लेकिन जुम्मे का दिन जो होता है वो अल्लाह पाक ने हमारे लिए इतना ख़ास रखा होता है। जिस तरह साल में एक बार ईद का दिन आता है, इसी तरह हर हफ्ते हमारी ईद होती है मुसलमानों की। उसमें ये होता है कि हमारे जो घर के जितने भी मर्द होते हैं, और बेचारी औरतें तो वैसे ही मसरूफ रहती हैं, लेकिन उनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बच्चों का, उनको नहलाना धुलाना, और फिर मर्द तैयार होकर नमाज के लिए जाते हैं और इस तरह से मसरूफियात ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं भी बहुत बिजी थी सुबह से काम में, तो मैंने सोचा कि मैं छोटा सा ब्लॉग बना के आपको मैं दिखा दूँ कि क्या मेरी मसरूफियात हैं। और मेरा चैनल है तैयबा एक्टर ऑफिशियल के नाम से, तो प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे इतना मेरा चैनल जो है वो आगे जाएगा। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक आ सकें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। जुम्मे का दिन है और जुम्मे की बाबरकत दिन के सदक़े में अल्लाह पाक आपकी सब जो भी जायज़ ख्वाहिशें हैं वो पूरी करें। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।